सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है उन्होंने बहुत तफसीली रेजोल्यूशन पेश किए अड़ गए वो और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नेहरू के बाद मौलाना हसरत मोहानी का है जिन में, जिनका नाम भी आप में से अक्सर लोग नहीं जानते हो क्या बेवफा कौम है हम अपने बुजुर्गों और मोहसिनों को सबसे ज्यादा भुलाने वाली कौम का नाम मुझसे पूछिएगा मैं काबे का पर्दा पकड़ कर कहूंगा मुसलमान कोई नहीं जानता मौलाना हसरत मोहानी को हसरत मोहानी जब जेल में थे गांधी जी उनसे मिलने गए तो उनको कहे थे बाबा की सजा सुनाई गई थी वो चक्की चला रहे थे गांधी जी ने पूछा मौलाना क्या हाल है तो बर्दस्ता शेर कहा हजरत मोहानी कहने लगे है मशक्कत भी है मशक़ सुखंजारी चक्की की मशक्कत भी यक तुल्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हिस्सा इस दस्तूर के बनवाने में लड़ झगड़ कर बहस करके जिसका था उस तीसरे शख्स का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद दो मुसलमान और एक गैर मुस्लिम उस दस्तूर की उन्नीस दफा उन्नीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस उनतीस तीस इन बुजुर्गों के इसलान पर एक एक लफ्फ पर बहस होती थी और यह फैसला हुआ था कि एक मुआदा है हमारे तुम्हारे दरमियान पाकिस्तान वाले जो चाहे अपना दस्तूर बनाए हमको उनसे कोई मतलब नहीं हम अपने इस वतन को नहीं छोड़ेंगे लेकिन यह भी आप लोगों को यह बात तो शायद मालूम होगी इतनी बदगुमानी तो मुझे नहीं करनी चाहिए कि आरएसएस ने बीसों साल तक कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम नहीं किया नहीं माना हिंदू महासभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से वॉकआउट कर गई आर एस एस का पहला तबसरा कॉन्स्टिट्यूशन पर यह था कि हमारे संविधान में कोई भी चीज भारतीय नहीं है सख्त मुखालिफ थी आरएसएस बरसा बरस के बाद तीस चालीस साल के बाद आर एस एस ने स्ट्रेटेजिकली अपनी लाइन बदली और यह कहना बंद कर दिया कि दस्तूर बदलेंगे दूसरा रास्ता इख्तियार किया अदालतों के जरिए दस्तूर के खिलाफ फैसले करवाए जाएं। नंबर एक नंबर दो दस्तूर में पूरे दस्ूर को निकालने के बजाय एक एक करके दस्तूर के आर्टिकल्स को बदलता चला जाए यहां तक कि यह आखिरी मौका आ गया वक्फ बिल वाला मैं एक बात पूछना चाहता हूं मुझे यकीन है कि दोबारा इंशाला हजरात मुझे कभी नहीं बुलाएं देखिए सबकी खामोशी इसको कंफर्म कर रही है कि मैं ये गुमान सही कर रहा हूँ ना ना वो तो पहली चिड़िया गई गई अब गया मामला फंस गया आप लोग मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ बड़ा ख़तरनाक आदमी हूँ मैं आप मुझे सीधा साधा सब सबसे मुशतबा फारूक साहब मुझे तरह जानते हैं और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ इनके दिल में दर्द है क्या कह रहे थे वो सवाल क्या था वो तो याद दिलाइ जहानत की अलामत तो यह है कि आप पढ़ने के मेरे दिल में क्या सवाल था तो तो आर एस एस पहले दिन से अपने एजेंडे पर चल रही है मखोटा बदल नहीं उसने एजेंडा कभी नहीं बदला तौर यकीन, तौर तो पर, यकीनी तो पर। मैं तो किल के नाम एक इसता लिख रहा हूं और मैं मुफ्तिया ने क्रामा से यह फतवा लेना चाहता हूं कि इस माहे के तहत हम इस मुल्क में रहने का हमने फैसला किया था जब दूसरे फरीक ने माहिदा तोड़ दिया है तो शरीय की रोशनी में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए वह वक्त आ गया है बिल्कुल फैसला कुल इस पर पहुंच गए अब हम तमाशाई नहीं बने रहेंगे बिल्कुल तमाशाई नहीं बने रहेंगे काश कि आप लोगों का साथ मिलता आप लोगों का एक्टिव ताबन मिलता और आप लोग एक नई मजबूत क्यादत को तराश कर लेते जहां से आपको मौका नजर आता कि यहां क्यादत की सलाहियत मौजूद है यहां समझदारी भी है और बहादुरी भी है यहां हमत भी है और हिम्मत भी है क्योंकि हमें दोनों चीजों की जरूरत है हिम्मत बगैर हमत के दहशत गर्दी है और हमत बगैर हिम्मत के बुजदिली और मुनाफत है हमतहत के गलत इस्तेमाल हम लोगों ने किया है जिसमें उलवा कहलाने वाले हम जैसे लोग भी इस जुर्म के मुरतकब है मैं आपके सामने मुखातिब हूं तो मैं की शिकायत कर रहा हूं मैं उलमा से मुखातिब होता हूं तो उलमा की शिकायत करता हूं तस्वीर का जो मनफी रुख है मुल्क के हालात का जो मनफी रुख है वो सबके सामने है उस पर ज्यादा रोशनी डालने की कोई जरूरत नहीं लिंचिंग हो रही है जेल में ठूसा जा रहा है धर्म परिवर्तन पर बहुत इनकरेज किया जा रहा है हमारे लोगों को नहीं मालूम के नौजवान हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि तुम एक लड़की को भगा लाओ मुसलमान उसका धन परिवर्तन कराओ उसके साथ शादी करो ढाई लाख रुपए का चेक तैयार है एक मकान तुम्हारा जाती तैयार है तुमको उसी वक्त उसकी चाबी मिलेगी और तुमको जॉब मिलेगा यह है सूरत हाल अब हिंदू नौजवान जो बिचारों को पास रोजगार नहीं है रोजगार का हाल हमारे मुल्क में यह है कि हमारी बेशरम हुकूमत बड़े फख्र के साथ कहती है कि हम अस्सी करोड़ लोगों को पांच किलो फ्री राशन दे रहे हैं अल्लाह अकबर बेशर्मी का ऐसा आलमी रिकॉर्ड कभी कायम नहीं हुआ होगा ओलंपिक चैंपियन बन गया हमारा मुल्क जिस बात पर कमरे में छुप जाना चाहिए अस्सी करोड़ आधी आबादी से काफी ज्यादा इसका साफ मतलब यह है सरकार अपने कौम के नौजवानों को रोजगार देने में टोटली नाकाम है उसे रोजगार देने से दिलचस्पी नहीं है वो तो किसानों से मजदूरों से आवाम से प्रोफेशनल से सरकारी मुलाजमीन से हर एक से चूस चूस कर दो चार अरब पतियों को खरबपति बनाने में लगी हुई है ये मनफी हालात की कुछ झलकियां हैं किसानों पर जो जुल्म हो रहा है मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा है मैं क्या क्या, क्या शिकायत करूं आपकी कोई इंटेलेक्चुअल किसानों के आंदोलन में शरीक होने के लिए गया किसी ने किसानों के दुख दर्द को समझा कहा है क्या इंटेलेक्चुअल है आप गुस्सा माफ न करिएगा माफ तो क्या कर लीजिएगा नहीं कीजिए माफ मुझे कौन सी आपको आपसे कुछ लेना है सब नाराज होकर चले जाइए मगर घर जाने से पहले मुंह ठीक कर लीजिएगा वरना होम मिनिस्ट्री की खबर लेगी बहुत कस तो डांट वहां खाइए और अंबर आके गुस्सा उतार रहे हो अब मैं मुल्क के जो पॉजिटिव रुख है हालात का जो रोशन इम्कान हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो मफजूल करना चाहता हूँ एक मिसरा याद आता है कि गए दिन के तनहा था अंजुमन में मैं जमाने तक मुसलमान ज्यादा ओतम का शिकार थे या वाकिफ नहीं थे मुसलमान अब सूरत हाल मुल्क की यह बनती चली जा रही है कि मुल्क की जो अक्सरियत है वो अगर उनको सही चैनाइज मोबालाइज कर दिया जाए तो मुल्क की अक्सरियत मुख्तलिफ समाजी इकाइयाँ मुख्तलिफ सोशल यूनिट्स वो इस वक्त आर एस एस से बीजेपी से इस गुंडागर्दी वाली सरकार से सख्त नाराज और मायूस है मैं गिनाता हूँ सिख पहले गलत फहमी में थे एक एक लाख के मजमे में मेरे सामने खड़े होकर सिख कायदीन ने पंजाब में हरियाणा में इस बात का इकरार किया है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि हमने मुसलमानों को अपना दुश्मन समझा था जबकि वही हमारे दोस्त निकले हमने जिनको अपना दोस्त समझा था वही हमारे बदतरीन दुश्मन निकले ये एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट है क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस ये समझे हुए थे इस मुल्क में कि उनके साथ कोई अट्रॉसिटी नहीं होगी कोई ज्यादती नहीं होगी उन्होंने सोचा था कि हम तो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर कब्जा कर लें हॉस्पिटल और स्कूलों का नेटवर्क बना दें सब के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे हमारा दुश्मन कौन होगा लेकिन मणिपुर के वाके ने क्रिश्चियंस बिरादरी की आंखें खोल दी मैं खुद मणिपुर गया आप में से कोई नहीं गया होगा और मणिपुर के उन जले हुए चर्चेस में गया उन लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से उनके पड़ोसियों से मिला जिनको नंदा करके ड कराया गया था वीडियो बनाया गया था और उनको रेप किया गया था वो लड़कियां सजदे में गिरने लगी मेरे सामने क्या पहले धर्म गुरु हैं मुसलमान जो हमारे आंसू से पूछने आए हमें कुछ खबर नहीं अपनी जिम्मेदारी महसूस करते ही नहीं हिल गई क्रिश्चियन लीडरशिप बॉम्बे के ग्रेट बिशप से मेरी मुलाकात हुई वो खुद आए उन्होंने कहा नवानी साहब आप दस साल से हमको समझा रहे थे बट वी आर रॉन्ग वी आर सॉरी फॉर दैट आप दस साल से कह रहे थे कि आज नहीं तो कल आपकी बारी आएगी लेकिन हम नहीं समझते थे उस शख्स ने यह कहा कि मुसलमानों से कहिए कि वो आगे बढ़े हम उनके साथ चलेंगे अब इस मुल्क में तब्दीली ला कर रहेंगे शरूल कास्ट के लोग आदिवासी लोग ट्राइबल लोग उनके अंदर किस कदर बेदारी आई है मेरे साथ चलिए किसी सफर में मैं दिखाऊं आपको अभी कली जलगांव में एक प्रोग्राम में आदिवासी लीडर आए थे और उन्होंने कहा कि डेढ़ साल से हम आपके हर तकरीर सुनते हैं और आपके दर्शन के लिए तड़प रहे थे मैं झारखंड गया इसलिए कि झारखंड में इलेक्शन होने वाला है और वहां आदिवासी लीडरों से मिला और उनको इंकरेज किया कि किस तरह आप झारखंड के इलेक्शन में वोट्स को डिवाइड होने से बचाइए और संत परिवार के साजिशों से आगाह रहिए वो आपके लोगों में शराब बांटेगी और पैसा बांटेगा बांटेंगे और उसके जरिए से वोट लेंगे इस पर आपको बूथ लेवल पर मेहनत करनी है एक टीम बनी है वहां खुदा करे वो लोग पूरा काम कर सकें कश्मीर में इलेक्शन शुरू हो चुका मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी गया वहां भी लोगों को समझाने की अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश की एक्टिवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए यह तर्ज अमल कि आपको इलेक्शन में वोट नहीं डालना इससे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ आप पीछे हटते चले गए एक रियलिटी को तस्लीम कीजिए और श्रीनगर की नहीं दिल्ली सरकार को बदलने की नियत से वोट डालिए यही मैं महाराष्ट्र में कहने के लिए निकला हूं महाराष्ट्र के लोगों की बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है आपके सामने का कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का चाहे जितना बुरा आदमी हो अगर वो उस पार्टी से ताल्लुक रखता है या अगर वो जीत गया और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का और उसके अलाइज का कैंडिडेट हार गया तो महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजों के इलेक्शन के नतीजों के बदौलत दिल्ली सरकार गिर जाएगी समझदारी से काम लीजिए मुसलमानों की पोलिटिकल एजुकेशन नहीं हो रही मुसलमानों को मंबर और मेहराब से मुल्क में जीने का सलीका नहीं सिखाया जा रहा हम तो हर दिल नहीं चाहते कि मुल्क की हुकूमत हमारे हाथ में आए हम सिर्फ यह चाहते हैं कि मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम हो हम नहीं चाहते कि सिर्फ मुसलमानों को इंसाफ मिले हम चाहते हैं मुल्क में हिंदुओं को भी इंसाफ मिले दलितों को भी इंसाफ मिले ओ को भी मिले सिखों को भी मिले ईसाइयों को भी मिले किसानों को भी मिले मज़दूरों को भी मिले लड़कियों और औरतों को भी मिले यूथ को भी मिले खिलाड़ियों को भी मिले सहाफ़ियों को भी मिले सब को इंसाफ मिले लेकिन दोस्तों तकरीरों और जलसों से काम नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बहुत जलसे हो चुके मुसलमानों से ज्यादा जलसे करने वाली कोई और कौम मेरे इल्म में तो नहीं है तकरीरें करने की जो महारत हमारे पास है और सुनने की जो महारत आपके पास है वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं एक बार काशीराम जो बड़े बहुजन लीडर थे उन्होंने मुझसे कहा मेरी उनकी बहुत लंबी गुफ्तु हुई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अल्लाह का शुक्र है मुलायम सिंह और काशीराम के दरमियान समझौता कराने में अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मुझसे सबसे ज्यादा काम लिया था बहुत लंबी दास्तान काशीराम ने मुझसे कहा कि नुबानी साहब मुसलमानों में से किसी का फेफड़ा हमको दे दीजिए क्या करेंगे आपको फेफड़ा खाएंगे आप कहेंगे नहीं आप लोग रात रात भर तकली करते आपका फेफड़ा दुखते ही नहीं मेरा शरीफ शुरू होता है से जल्सरत तो फजल की अजान पर भी मुश्किल से रुकना पड़ता है मौलाना साहब को कि भाई तकलीफ बाद में पूरी कर लीजिएगा पहले नमाज पढ़ लीजिए और आपके जलसों का नतीजा जीरो होता है और कहा हम एक गांव में जाते हैं पेड़ के नीचे गांव वालों को जमा करते हैं आधे घंटे की बात में हम थक जाते हैं मगर आधे घंटे के अंदर गांव का संगठन बनाकर उठते हैं ये होती हैं कौमें कल्चर बदलने की जरूरत है और अगर औरंगाबाद और, और हैदराबाद का कल्चर बदल गया तो इंडिया का कल्चर बदल जाएगा चलिए किसी ने ताइ तो की हाँ तालियां बजाएं? बजाएंगे बजाई मैंने कब मनाया क्या कल्चर है हैदराबाद का अल्लाह चार मीनार वमा अदरा चार मीनार हैदराबादी बिरयानी और हलीम वमा अदरा कमा हलीम क्या तबाह हो गए मुसलमान क्या हो रहा है अपने पैसों को कहां बर्बाद कर रहे हैं अपने घर की शादियों में क्या खर्च कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या ताल्लुक है इस्लाम का इन सब चीजों से भाई कुर्ता पजामा टोपी इस्लाम है इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी बलराज मधोक की जरूरत नहीं है इस्लाम को बदनाम करने के लिए हम काफी हैं बिल्कुल काफी है. अल्लाह के वास्ते ये तो मुल्क के बदले हुए हालात और इमकानात हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप कीजिए इस मौके को हाँ मत जाने दीजिए किसान हमारे मुल्क की अस्सी और किसानों की अक्सरियत अब आरएसएस और बीजेपी से तौबा कर चुकी है मौका है कि हम किसानों के बीच में जाएं मौका है कि हम किसानों के आंदोलन में शरीक हों मैं अकेला मुसलमान हूं जो किसानों के आंदोलन में दो बार गया और अब यह हालत है कि किसानों के कई लीडर पंजाब के भी और दिल्ली और हरियाणा और यूपी बॉर्डर के भी मेरे पास दसों बार आ चुके हैं मशहूरों के लिए मैं क्या हूं ना मेरे पास कोई जमात है ना कोई तंजीम है ना कुछ मैं अकेला हूँ कमजोर इंसान हूँ जब मैं पंजाब गया आंदोलन में शरीक होने के लिए तो आला दर्जी दर्जे की जो सिख क्यादत थी किसानों की भी और मजहबी भी उन्होंने निहंग सिखों को जो सबसे बड़े मजबूत जंगू जंगजू सिख होते हैं ब्लू लिबास पहने हुए और हथियार लिए हुए उनको मेरे इस्तेबाल के लिए तीन किलोमीटर भेजा लंगे पैर आए वो उनकी मजहबी रिवायत थी और मैं गाड़ी में सवार रहा वो पैदल चलते रहे और इतना पुरजोश इस्तेकबाल किया और उस सभा में जिसमें एक डेढ़ लाख सिख लोग शरीक थे किसान उस तकरीर में मैं देख रहा था कि आगे कई सौ महिलाएं बैठी हुई थी या शायद हजार दो हज़ार ज्यादातर औरतें रो रही थी मेरी तकरीर के दरमियान और यह कहा मुझसे सिख लीडर ने वहाँ भी और खालका आकर भी नेरल में नवानी साहब हम सब जानते हैं कि आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है हम किसी हद तक ये भी जानते हैं कि आप सख्त बीमारियों से गुजर रहे हैं आप पूरे देश में मारे मारे फिर रहे हैं एक तंजीम बनाइए इकट्ठा कीजिए हम सबको हम आगे पीछे दाएं बाएं से आपकी हिफाजत करेंगे अब इस देश में इस तरह का ब्रह्मीण राष्ट्र नहीं आने देंगे दस्तूर को नहीं बदलने देंगे बहुत सी पॉजिटिव अलामात है हमारी मुस्लिम खुतिन में भी जबरदस्त बेदारी है जबरदस्त बेदारी है मुझे तो इस बात का दुख है कि औरंगाबाद के सफर में मैं अपनी बहनों और बेटियों को खिताब करने का मौका नहीं मिल पा रहा मुझे वरना में मर्दों से ज्यादा औरतों में बेदारी देख रहा हूं चैललाइज कीजिए अगर किसी क्यादत के बारे में आपको ये इतमान है तो उस क़्यादत के हाथ मजबूत कीजिए आपको नहीं मालूम ऐसी कोई क्यादत तो उस क्यादत की तलाश के लिए एक दो सफर तो कीजिए अजीब बात है जो मुझसे मिलता है कहता है इनशाला अगले सफर में औरंगाबाद और में इससे बड़ा इज्तम करेंगे यानी आप तशरीफ नहीं लाएंगे आप तो बहादुर शाह सफर के दामाद हैं और पैरों में सुहागरात की मेहंदी लगी है आप नहीं आएंगे ना ये कह रहा था लड़का ये बटा हट्टा कट्टा जवान ये नहीं कह रहा है कि मैं आऊंगा सीख लें मैं आऊंगा इब इनकलाब का सिपाही बनने आप आइएगा वाह भाई बेरहमो जिस वक्त रहमत और खैर खाही बट रही थी औरंगाबाद के लोग हरीम खा रहे थे क्या कर रहे थे नान कलिया मैं जानसा नहीं हूं भाई खा रहे थे तबाह कर दिया इस हरीम में स्नान करिया ने हाँ बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हजरत माशा आपके यूट्यूब पर बयान आते हैं मैं वीडियो देखता हूँ माशाला मैं कोई गालिब की गजल सुनाता हूँ आप मुझे दाद दे रहे हैं अगर मैं कब्रिस्तान में भी बैठ कर वो तकरीर करूँ तो मुर्दे भी निकल आएंगे मगर आप नहीं आते आप नहीं आते पिछले सफर में भी वैसे ही झूठे वादे आपने किए थे जैसे इस सफ़र में कर रहे हैं जो हम लोग आएंगे हम लोग आएंगे हम लोग आएंगे रजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया आप नहीं आते आप मशहूर लोग हैं बड़े लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं बड़े बिजनेस मैन हैं बड़े ताजर हैं बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो कभी कभी मैं इंटल का भी कह देता हूँ मेरी उर्दू भी कमज़ोर हो गई है तो कभी कभी दानश्वर के बजाय दानशूर कह देता हूं अब आपको यह फैसला करना है कि आप इंटेल कचूर हैं या इंटेलेक्चुअल हैं अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आपका मबीक के रास्ते चलना पड़ेगा हमारे फारूक के रास्ते चलना पड़ेगा सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते चलना पड़ेगा सुल्तान के रास्ते चलना पड़ेगा मुझे दिल्फसानी और शाह वली के रास्ते पर चलना पड़ेगा इकबाल के रास्ते पर चलना पड़ेगा शौकत अली और मोहम्मद अली और शेख रहीन के रास्ते से चलना पड़ेगा कौम के साथ ये बेवफाई मत कीजिए कभी कभी तो मुझे पढ़े लिखे मुसलमानों को देखकर ये दुआ करने के दिल चाहता है कि काश आप पढ़े लिखे ना होते बताइए इससे ज्यादा सख्त और कड़वी बात मैं आपके सामने क्या कह सकता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुल्क में बेपढ़े लिखे मुसलमान हैं जो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो अपनी डाइनिंग टेबल से उठने के लिए तैयार नहीं। क्या लानत है इसी तालीम पर लानत है इसी एजुकेशन पर जिसने आपको गरीब आवाम से काट दिया आप मोहल्लों में रहते थे आप कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए आप अपने गरीब आवाम से दूर हो गए नहीं भाई ये दानिशोरी नहीं है ये कौम से बेवफाई है खुदगर्जी है ये मतलब परस्ती है यह अनानियत है हमारे दानिश्वर हजरात अगर एक बात तस्लीम कर लें कि उनको इस कौम को एक क्राउड आज जो सिर्फ क्राउड की शक्ल में है इसको कैडर बनाना है याद रखें कि कैडर मुकाबला कर लेगा चाहे वो अकलियत में हो तादाद छोटी हो क्राउड कभी मुकाबला नहीं कर सकता चाहे वो लाखों करोड़ों की तादाद में अब मुझे बताएं कि मुसलमान आज क्राउड है या कैडर है इस कैडर को क्राउड बनाना जरूरी है कि नहीं कोई नबी आएगा इसको क्राउड कैडर बनाने के लिए जलसों से कैडर बन जाएगा देखिए हर कौम का एक मरकज होता है जहां उसका कैडर बनता है याद रखिए पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग बारी बारी वहां जाते हैं और कोई दस दिन कोई एक महीना कोई छ महीने रहकर ट्रेनिंग हासिल करते हैं कैडर बनते हैं फिर उनको कैडर बनाकर जिम्मेदारी देकर छ महीने एक साल की जिम्मेदारी देकर उनको भेजा जाता है आर ने कैसे थेडर बनाया है मैं इसकी पूरी दास्तान आर के पिछले सर संचालक सुदर्शन जी से सुन चुका हूं आज मोहन भागवत हैं इससे पहले कोई और था उनसे पहले कोई और था उनसे पहले सुदर्शन थे सुदर्शन से मेरा अजीब गरीब तरीके पर मुलाकात हुई 2001 में मैं इंजोर्ड हुआ मेरी रीढ़ की हड्डी तीन जगह से फ्रैक्चर्ड हो गई और मैं बिल्कुल बिस्तर पर इस तरह पड़ गया कि मूव भी नहीं कर सकता था उस वक्त इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज के आर्थोमेटिक डिपार्टमेंट के जो डीन थे डॉक्टर त्रिपाठी उनसे मेरा रबता हुआ डॉक्टर त्रिपाठी ने बड़ी अपनाइत के साथ बहुत लगन के साथ खसूस तवज्जो के साथ मेरा इलाज किया और एक दो मुलाकातों में या शायद पहली ही मुलाकात में वो इतने मानूस हो गए कहने लगे इतनी तकलीफ़ में आप मेरे पास अब बिल्कुल नहीं आएंगे मैं आया करूंगा आपके पास कहाँ रहते हैं आप वगैरह वगैरह इस तरह वो मेरे घर पर आने लगे बहुत ताल्लुक उनसे हो गया मैं उनका बहुत एहसान मंद रहता था हर हफ्ते में एक या दो बार मुझे विज़िट करते थे वो फिजियोथेरेपिस्ट को साथ में लाते थे एक दो मुलाकातों के बाद उन्होंने बताया कि सुदर्शन जी मेरे सगे मामा हैं मैं उनका बहन जाऊं अब उससे कहा कि आपसे बातचीत के बाद मेरा यह बहुत दिल चाहता है कि सुदर्शन जी के साथ आपकी मुलाकात हो मैंने कहा बिल्कुल मैं खुशी से राह दू सुदर्शन जी जब भी लखनऊ आते हैं तो मेरे घर पर ही ठहरते हैं अब जब वो आएंगे तो मैं पहले से आपको इतना करूंगा और फिर आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा मैंने कहा बहुत अच्छा कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे इतना दी कि परसों आने वाले हैं और मैं खुद आऊँगा आपको ले जाने के लिए चुना वो आए और अपनी गाड़ी से मुझे ले गए सुदर्शन जी से मेरी पहली मुलाकात एक डेढ़ घंटे तक चली बहुत ही मेरे बातों से बजाहिर उन्होंने बड़े तासुर का इजहार किया और यह कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा राबता और डायलॉग बढ़े मैंने कहा मैं बिल्कुल हंस हूँ हूं अगली दो तीन विजिट्स पर डॉक्टर त्रिपाठी सुदर्शन जी को मेरे घर लाते थे मुझे नहीं ले जाते थे इसलिए कि सुदर्शन जी ने कहा कि मौलाना साहब को तकलीफ मत देना उनको इतना कर देना टाइम ले लेना मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा दो दो घंटे मेरे टूटे फूटे घर में वो बैठते थे बहुत बातें होती थी और एक प्लान तय हुआ कि इस तरह एक डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गलत फहमियों को दूर करने का सिलसिला शुरू होगा किसी तीसरे के जरिए से अब एक दूसरे को नहीं समझेंगे हम डायरेक्ट कन्वर्जेशन के जरिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनाएंगे उसके एक एक लफ्ज पर आपको भी अमल करना होगा हम भी अमल करेंगे बहुत आगे तक चले गए सुदर्शन जी बदाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों में वो थोड़े ओपन माइंडेड आदमी थे पॉजिटिव सोच वाले आदमी थे गलती उनसे क्या हुई कि वो बड़े जोश में आ गए और भोपाल के थे वो भोपाल में गए रमजान गुजरा ईद की नमाज आई तो सुदर्शन जी ईद की नमाज पढ़ने के लिए सर पर रुमाल बांधकर पहली सफ़ में खड़े हो गए आर एस एस का सब संचालक और मीडिया ने आसमान स्तर पे उठा लिया और इसके बाद में आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तीन चार हफ्ते के बाद सुदर्शन जी इस दुनिया से चले गए काश कि आप लोगों की जैसी बाई बाहत लोगों की मदद मिले और मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा हूँ बिल्कुल नहीं बुला रहा हूँ मैं अपने लिमिटेशन को जानता हूँ मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बग़ैर टैटल बने चैन की नींद मत सोइए आप टैटल कहाँ बनेंगे आप जब छोड़ता हूँ किस सेंटर में जाकर आप तरबियत लेंगे किस मरकज़ में जाकर आप ट्रेनिंग लेंगे क्या आप इस मुल्क को दस्तूर की बुनियाद पर इंसाफ की बुनियाद पर अमन व इंसाफ का गहवारा बनाने में अपना रोल कैसे अदा करेंगे कहा आपको यह रहनुमाई मिल सकती है या आप पर छोड़ता हूं किसी अच्छे मरकज का आपको पता लगे मुझे भी बताइए मैं सर केवल जाऊंगा दो का जो संगठन है ब्राह्मणों का वह है गायत्री परिवार गायत्री परिवार का जो इंटरनेशनल मरकज है वो शांति कुंज में है ऋषिकेश में मैं खुद वहां गया तीन दिन उनका मेहमान रहा और ये देखकर शर्म से पानी पानी हो गया जो वहां आठ दस हजार का मजमा हर वक्त रहता है और चौबीस घंटे का बड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रहता है हर आने वाले के लिए हमारे दानिश्वर तो सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल वो लोग सुबह साढ़े चार बजे स्नान करके मजहबी लिबास पहनकर मंत्रों का जाप शुरू देते हैं। उनमें कौन लोग थे मैं बताता हूं आपको गरीब आवाम नहीं थे मैं रात के वक्त में पहुंचा मुझे उन लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया मेहमान खाने में ठहराया हमने मेहमान खाने के बाहर अजान दी फजर की नमाज पढ़ी जमात के साथ सुबह सात बजे जो चीफ थे उस मिशन के सबसे बड़े सरबरा रूहानी गायत्री परिवार के वो मुझे लेने के लिए कई गाड़ियों का काफ़िला लेकर आए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर कैंपस के एक मायने के लिए ले गए एक जगह पर गाड़ी रुकी एक बड़ा सा एक इमारत थी बड़ी इसी? और 200 लोग वहां और 200 लोग वहां और 200 लोग वहां धार्मिक लिबास में मलबूस सर से पैर तक अदब के साथ खड़े हुए थे नंगे पैर गाड़ी से हम लोग उतरे मेरा उन्होंने तारुफ कराया 200 लोग खड़े हुए थे और सामने उनका जो अमीर था कायद था कैप्टन था जो भी नाम उसका वो रखते हो वो आगे खड़े हुए थे उन्होंने मुझसे मुसाफा किया इसके रोटी पकाने चावल पकाने दाल पकाने सब्जी पकाने वाले अमले के जो कायदे हैं बर्तन धोने वालों के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो कौन है वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस के वालिद जस्टिस चंद्रा यह है भारत फिर थोड़ी देर के बाद में हम सबका शुक्रिया अदा करके गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ा एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में ले गए वो टॉयलेट वॉशरूम कॉम्प्लेक्स था कई मंजिला लेडीज का अलग जेंट्स का अलग वहां भी 200 लोग खड़े हुए थे जो वॉशरूम धोने और साफ रखने की ड्यूटी पर 24 घंटे काम करते थे बारी बारी उनके सामने एक उनका भी चीफ खड़ा हुआ था इस्तेबाल किया मेरा तारुफ कराया तो बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड ये ये इंडियन आर्मी के रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आर के चौधरी हैं। अब बताइए आपने कभी मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में झाड़ू दी क्या हो गया है क्या हो गया है आप समझते हैं बदवाओं से हमारे आर का मुकाबला करेंगे हाई स्कूल पास हो जाता है हमारा बच्चा आधा पागल हो जाता है और कहीं खुदा ने खास आपने पी एच कर लिया लॉ कर लिया आप डॉक्टर बन गए तो आप कौम से हजारों मील दूर भागते हैं खिदमत करने का तो समान ही नहीं पैदा होता खिदमत करने का गरीब बेरोजगार मस्जिद की खिदमत पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं करेगा मस्जिद की खिदमत डॉक्टर नहीं करेगा मस्जिद की खिदमत बिजनेसमैन नहीं करेगा मस्जिद की खिदमत कोई इंजीनियर कोई वकील कोई जज नहीं करेगा यह है इस्लाम इस्लाम इसको कहते हैं अगर आप कुरान और हदीस से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरी आखिरी अपील यह है कि आज इससे ही सीख लीजिए अपने जुर्मों का इकरार कीजिए कि ये जिस जगह तक हम पहुंचे हैं अपनी कौम और दीन के साथ हमारी बेवफाई का इसमें बड़ा दखल है एक ने भी हानि कहा और इसकी तलाफी की आप कोशिश शुरू कीजिए इकदार जुर्म से काम नहीं चलेगा और इकरार एक, एक ही तरीका है आप किसी तरबियत के मरकज को तलाश कीजिए जहां दिन रात ये तरबियत हो रही हो दिन रात लोग आ रहे हो एक एक हफ्ता दस दस दिन क्याम कर रहे हो एक एक महीना क्याम कर रहे हो और वहां उनको तहजद भी सिखाई जा रही हो दस्तूर भी पढ़वाया जा रहा हो हिम्मत भी बढ़ाई जा रही हो दानिश्वरी भी बढ़ाई जा रही हो मुल्क की जो सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके हिफाजत का तरीका भी समझाया जा रहा हो जो नॉन मुस्लिम दूसरी ऑपरेस कम्युनिटीज़ हैं दलितों से इंटरेक्शन का तरीका सिखाया जा रहा हो उसके अमली तजर्बे कराए जा रहे हों सिखों के साथ इंटरेक्शन क्रिश्चन के साथ इंटरेक्शन बुद्धिस्टों के साथ इंटरेक्शन ओबीसीस के साथ आदिवासियों के साथ इंटरेक्शन हम बिल्कुल कट गए हैं हमें मालूम ही नहीं कि आदिवासियों की आस्थाएं क्या हैं आदिवासियों की प्रायोरिटीज क्या हैं उनकी तमन्नाएं क्या हैं उनकी महरूमियों की तफसीलात क्या है नहीं मालूम आपको हमें यह भी नहीं मालूम कि इन ये सब रिलीजियसली हिंदू नहीं है मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं ये पोलिटिकली हिंदू बनाया गया है इन सबको अगर आदिवासी हिंदू होते तो हमारे मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं उनको मंदिर में जाकर पूजा करने की इजाजत मिलती ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया वो गई एक मंदिर में पूजा करने के लिए उनको बाहर रोक दिया गया यू आर नॉट अलाउड मैडम टू इंटर इंटो उनका सिक्योरिटी का स्टाफ अंदर गर्भगृह में गया वो पचास गज के फासले पर खड़ी होकर दूर से ही हाथ जोड़े खड़ी रही अंदर नहीं आने दिया गया अगर आदिवासी हिंदू हैं जैसा कि आर एस दावा करती है तो राष्ट्रपति को मंदिर में जाने की इजाजत क्यों नहीं मिली हम दलितों को भी हिंदू समझते हैं अपनी जिहालत की वजह से पिछले राष्ट्रपति राम कोविंद जी वो भी एक मंदिर की पूजा और दर्शन के लिए गए लेकिन राष्ट्रपति राम कोविंद को भी मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया इसलिए कि के धार्मिक के जहां से दलित हिंदू नहीं हो सकते शूद्र हिंदू नहीं हो सकता शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता राष्ट्रपति ये हमारा मुल्क सच्ची बात यह है कि सिर्फ हमारी कौम के वो लोग जो अपने को दानिश्वर समझते हैं, हैं कि नहीं इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता मुझे तो बहुत शुभा है लेकिन जो अपने को खुद दानिश्वर समझते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम में आ सकते हैं जिसमें उनके लिए सीट रिजर्व हो जो भीड़ में आकर बैठने को तैयार नहीं है जिनके नखरे हैं नखरे है। जब तक हमारी कौम के दानश्वर इस चौथे आसमान से नीचे नहीं उतरेंगे जब तक अपने कौम के आवाम गरीबों के साथ मिला मिलजुल कर आप उनके दुख दर्द को नहीं बांटेंगे और जमीनी सच्चाइयों को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे आपको खेतों में भी जाना चाहिए आपको जनरल अस्पतालों के जनरल वार्ड में जाना चाहिए आपको सब एरियाज में जाना चाहिए हफ्ते में एक दिन तय करना चाहिए हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी तंजीम हमने नई बनाई है ऑल इंडिया एकता फोरम उसका पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर यही है कि ये सब करना पड़ेगा आपको इतने बजे उठना ही पड़ेगा कुरान की तिलावत करनी होगी शरीफ पढ़ना होगा कुरान को समझकर पढ़ने की भी कोशिश करनी पड़ेगी कुरान का तर्जुमा भी आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे मुसलमान हैं जो कुरान को नहीं समझते हैं? कैसे मुसलमान हैं भाई आप शेक्सपियर के प्लेज को पढ़ लेते हैं उसकी शायरी को पढ़ लेते हैं वर्ड्सवर्थ और टेनिसन की शायरी को पढ़ लेते हैं और आप अल्लाह के कलाम को समझने की जरूरत महसूस नहीं करते कोई कमी महसूस नहीं होती कि मेरा रब मुझसे कह रहा है या यू लगी ना लेकिन हमको नहीं पता क्या अल्लाह हमसे क्या कह रहा है वी टेक इट सो लाइटली लाहौर वाला अमेरिका और यूरोप में अरब मुल्कों का तस्करा नहीं कर रहा अमेरिका और यूरोप में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर तफसीर पढ़ने हदीस पढ़ने फिकर पढ़ने का जबरदस्त रुझान आम हो गया है फलस्तीन में गजा के अंदर पिछले नौ महीने से जो आग और खून की गोली खेली जा रही है इस बमबारी के दौरान भागते भूखते खेमों में रहने पर मजबूर पूरा शहर खंडन बना दिया गया इन खेमों में रहकर तकरीबन 26 या छत्तीस हजार लड़कियां हाफिज कुरान इस साल हुई है यह जिंदा कौम सात अक्टूबर को जिन मुजाहिदीन ने हमला किया था सहयोगियों पर बारह सौ लोग थे और बारह सौ लोग जो बुलाए गए ये कहा गया सिर्फ वो नौजवान आए जो हाफिज कुरान हों खुश फहमियों से निकलिए गलत फहमियों से निकलिए अपनी कमियों का एतराज कीजिए एहसास कीजिए कि हम लोग बिल्कुल सेकंड क्लास मुसलमान है। हैं हम सेकंड क्लास सिटीजन इसलिए हैं कि हम सेकंड और थर्ड क्लास मुसलमान हैं आप नवाज में अल्लाह से क्या कह रहे हैं आपको तर्जमा नहीं मालूम कमाल है एहसास ही नहीं होता अपनी जिंदगी को नए सर से, से मुनम कीजिए एक तरबियत लीजिए कैडर बनिए कांग्रेस पार्टी के लीडरों से मैंने कहा हालिया मुलाकात में कि याद रखिए कि पॉलिटिकल पार्टियां मूवमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते एक तरफ तहरीक हो जन आंदोलन हो आवामी मूवमेंट हो और दूसरी तरफ सिर्फ पोलिटिकल पार्टी हो कभी नहीं कामयाब हो पाएगी बीजेपी की मजबूती यह है कि उसके पीछे की इंतहाई कमिटेड संगठन है इंतहाई कमिटेड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और वह आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वो ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं पहुंचे हैं बार बार उनको जेल में जाना पड़ा बार बार वो बैन किए गए स्ट्रगल किया उन्होंने कुर्बानियां दी तब वो इस मुकाम पर पहुंचे लेकिन मुसलमान तनाजिला भी एक महीने के बाद पढ़ने को तैयार नहीं अजीब तमाशा है मेरे सामने सवाल आ गया कि हजरत क्या एक महीने के बाद भी कुरूत लादला पढ़ सकते हैं क्या नाम दो इस उम्मत का क्या हो गया है रियली आईवोज टू अंडरस्टैंड वट है हर गिज़ हम अपने आप को मुसलमान कहने के हकदार नहीं हमने इस्लाम को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं किया प्लीज अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ वापस आइए अपने मिशन की तरफ वापस आइए हमारा पैगम्बराना मिशन यह है कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम हो सबको इंसाफ मिले मंदिर भी महफूज रहें गिरजाघर भी महफूज रहें गुरुद्वारे भी महफूज रहें बुद्धिस्ट टेम्पल भी महफूज रहें और मस्जिदें दरगाहें कब्रस्तान भी महफूज रहे इतना वश्याना कानून ये वक्फ बिल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल जो पेश हुआ है ट्वेंटी फोर अल्लाह अकबर क्या कानून है अजीब वो गरीब कानून तैयार रहिए इसके लिए कि अगर आपके ईमेल स्कॉन देखा अनदेखा किया गया अगर आपने ईमेल भेजे हैं तो अगर आपके रिस्पॉन्स को इग्नोर किया गया तो अपनी क्यादत की आवाज पर लब कहते हुए मुझे और आपको सड़कों पर निकलना हो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे हम किसी कीमत पर एट एनी कॉस्ट ये वक्त वाला कानून को मंजूर और जारी नहीं होने देंगे जेल छोटे पड़ जाएं, कब्रिस्तान कम पड़ जाएं, फलस्तीनियों की तरह शहादत का जाम हम नोश करें लेकिन किसी कीमत पर अब यह पसपाई काबिल कबूल नहीं है अपने घर वालों के मिजाज को बनाइए मर्दों के पैरों की जंजीरें गैर तरबियत याफ्ता औरतें औरते बनती हैं अपने घर वालों के मिजाज को बनाइए तरबियत जहनी तौर पर तैयार कीजिए मेरे बड़े भाई जेल में गए मेरे दूसरे बड़े भाई को जमानत मिली बहुत सख्त बीमार थे इसलिए उनको जेल नहीं भेजा गया मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत दी गई मेरे वालिद माजिद के घर को सीज कर दिया गया मेरे वालिद को घर में नजरबंद किया गया मैं उस घराने का आदमी हूं और इसीलिए अब अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुसलमानों की गफलत से मैं कोई उम्मीद नहीं करता इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत भी नहीं लेकिन शिकायत तो अपनों से है अपनों की गफलत से है अपनों की बेवफाई से है अपनों की बदनजमी से हैं खुदा के लिए यह ना कहिए कि आप आइए मैं किन बीमारियों से गुजर रहा हूं काश कि आप मेरे लिए सिर्फ दुआ सेहत कर दें इतनी सख्त बीमारियों से गुजर रहा हूं कि बाज डॉक्टरों ने कहा कि अब हम आपका इलाज नहीं कर सकते का एक मिशन ये है कि ये दीनी तालीम और मॉडर्न तालीम एजुकेशन इन दोनों के दरमियान के गैप को खत्म किया जाए आलिम दीन बनने के बाद तिरमिजी और बुखारी और तफसीर पढ़ने के बाद अब लॉ बन रहे हैं लॉयर बन रहे हैं वकील बन रहे हैं मैनेजमेंट में हैं मुख्तलिफ स्टीम्स ऑफ एजुकेशन में हैं वो तो अल्लाह मेरे इन साथियों को जजाय खेर दे कि जिन्होंने मेरे इदारों को ऐसे संभाला हुआ है डेडिकेशन के साथ कि मुझे सफरों में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती वरना एक इदारा चलाना और वो भी मुसलमानों का दुनिया का कितना मुश्किल काम है ये वो लोग जानते हैं जो इदारा चलाते हैं एक बूढ़ी औरत ने किसी से नाराज होकर उसको बदवा दी अल्लाह तुझे किसी मदरसे का मोहत बना दे इसलिए हजरत मैंने बहुत समा खराशी की गुस्ताखी की लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी तड़प और आपकी सलाहियतों की वजह से मैं अपने को रोक नहीं सका मुझे उम्मीद है कि इन मेरी तमाम मारूजा को आप पॉजिटिवली लेंगे और किसी एक बरक़ में जाकर तरबियत ज़रूर हासिल करेंगे आपूमत कीजिए पता लगाइए जाकर देखिए जहाँ आपको लगे कि इस मरकज़ में हमारी कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग हो सकती है हमारा ताल्लुक अल्लाह से भी मुलंद हो सकता है मज़बूत हो सकता है हमारी नमाजें बेहतर हो सकती हैं हमारी क़ुरान फहमी बेहतर हो सकती है और हम अपने इज्तमाही मिली कौमी सियासी मुल्की दीनी फरीजों के अदा करने के बेहतर तरीक़े पर लायक बन सकते हैं उस मरक़ को ज्वाइन कीजिए उसको मजबूत कीजिए और एक मुनजम बा एक उम्मत फिर से बनिए अभी हम उम्मत नहीं हैं अभी हम इंसानों की भीड़ हैं उम्मत सिर्फ उस जमात को कहते हैं जो एक क़्यादत के मातहत एक मिशन के लिए अपनी जान अपने माल अपने वक्त और सलाहियतों को लगाती हो सिर्फ उसको उम्मत कहते हैं इंसानों की भीड़ को अरबी ज़बान में उम्मत नहीं कह सकते आप सब ने इतने सब्र बर्दाश्त से मेरी बात को सुना बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अल्लाह आपके रुतबे बुलंद करे आपकी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शे और आपसे मुल्क विल्लत के अच्छे से अच्छे काम ले जजाक व आखिर मुशतबा फारूकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि वो कुछ कहे रहीम। माना की मौजूदगी और इतनी बहुत वाजे अल्फाज में तलखीन और नसीहत के बाद इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि हम जैसे कुछ लोग बात करें लेकिन कुछ दिनों से मौलाना से इसी मौजू पर रबता है कि अब जो इलेक्शन दरपेश हैं तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो हमने कहा कि सब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़शा है सेक्युलरिज्म जिसमें सभी के लिए गुंजाइश है या डेमोक्रेसी जिसमें इजहार ख्याल की गुंजाइश वगैरह वगैरह तो ये बता बता कर तो हमने मुस्लिम वोट को मोबलाइज किया और शायद सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों ने ही किया जैसे दस्तूर का ठेका सेकुलरिज्म का ठेका डेमोक्रेसी का ठेका मुसलमानों ने लिया हो लेकिन अब असम्बली इलेक्शन आ